लेट द साइड ऑफ द वॉल बी, वॉल की साइड गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चले हम, लेट द साइड्स ऑफ ए वॉल इच, ए है हमारे पास 15 मीटर, बी है वो 11 मीटर, सी इज 6 मीटर. सेमी पैरामीटर निकाले इसमें हम एस, एस इज ए प्लस बी प्लस में सी डिवाइडिंग बाई टू, हेयर वेल पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो 15 प्लस में 11 प्लस में 6 डिवाइडिंग बाई टू, ये आएगा हमारे पास 32. 32 डिवाइडिंग बाई टू, टू से कैंसिल आउट करें तो 16 मीटर. अब हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ द वॉल, वो हमारे पास आ जाएगा, हीरोन फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें हम, हीरोन फॉर्मूला हमारे पास होता है सेमी सर्क, सेमी पैरामीटर माइनस में ए फीट, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी, सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं, वो वैल्यू है वो इसमें हम पुट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 16 माइनस में 15 और 16 माइनस 11, 16 माइनस में 6, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू आएगा हमारे पास, जब सोल्व करें इसको तो 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 10, 16 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें हम 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 10 को डिस्ट्रीब्यूट करें हम 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा हमारे पास, सोल्व करें 2 2 का पेयर करके बाहर आए तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 5 रूट ऑफ 2, यानी कि 20 रूट 2 है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पेंटेड, जो हमें पेंट करना था जिस के लिए, तो वो आ जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं therefore the required area painted in color is 20 root 2 square meter, that's it.